बोलो ना जी, दे कि नहीं यार? मिर्ची दे देने यार। अरे आलू? आलू नहीं लाऊंगा। 50 देवे का सबकी का? 50 दे दे जा, आखिरी बोल दिया मैं। 50 सब आलू का 50 भाई। 10 किलो आलू है लगभग लगभग, ये 5 रुपए किलो पड़ गया भैया को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? वापस से सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब, अभी बज रहे सुबह के 7 और यार उठने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सुबह सुबह जा रहे हैं भाई साहब सब्जी बेचने। देख सकते हो मैंने गाड़ी को अभी पिक किया, इतना टाइम तक आधा सामान बिक जा रहा था यार, लेकिन आज लेट हो गया भाई, नींद ही नहीं खुल रहा था सुबह मेरा। तो देखो क्या क्या सब्जी लेके जा रहे अपन। ओए ले जाना, आलू है, टमाटर है, भाटा है, मिर्चा, धनिया है। ये देखो भाई साहब इतना सारा सामान है, थोड़ा थोड़ा कल के मार्केट का बचा हुआ। तो चलो फिलहाल चलते हैं भाई बेचने और देखते हैं अपन बेच पाते हैं कि नहीं। क्या कर रहा है यार, साइकिल चला था? ठीक ठीक, तीर में चला भाई। तो चलो भाई बेच के आते हैं यार। ए आलू भाटा टमाटर करेला है। और देखो वहां सामने एक कस्टमर दिख रहे हैं भाई, बोलेंगे ए आलू भाटा करेला, ये आलू भाटा करेला है। सब सुबह सुबह देखो यहाँ पहुँच गए हैं सब्जी बेचने। आ गए ना, मैं तो पूछे थे हम। नहीं भाजी तो पुरुष नहीं है, खंगी से। तो चलो बेचते हैं भाई सब्जी। भाई साहब देखो सुबह सुबह आए थे आप बेचने और सीधा सीधा 500 का बेचते हैं। देखो 500 का नोट मिला है भाई। अभी भी ग्राहक ले रहे हैं सब्जी, जो है आलू ले रही है दादी जो है। तो चलो फिर आलू और बेचते हैं और मज़ा आ गया भाई, 500 सेलिंग हो गई। गाइस वहाँ सेल करने के बाद अभी मैं आ गया यहाँ आलू बैंगन टमाटर लेके। ये देख सकते हो भाई, आ दीदी जल्दी आओ, एक आज सुपर ले। हाँ ये आलू भाटा गोभी टमाटर करेला है। गोभी मैं ऐसी चिल्ला देता हूँ जो नहीं रहता, कम से कम ग्राहक सुन के तो आएंगे करके आवाज लगा देता हूँ। आ जल्दी आ, ले आलू भाटा करेला आनगा भैया, जल्दी आ यार। तो भाई साहब वहाँ सेल करने के बाद अभी मैं आ गया यहाँ पास और ग्राहक को चिल्ला चिल्ला के बुलाना पड़ रहा है भाई, फिर भी नहीं आ रहे हैं। वो देखो भैया आया आया, तोरे वीडियो बना थे, देख का डोहारा था यार। अरे आओ ले ले भाई, सस्ता लगा। हाँ अरे सस्ता लगा हूँ, ले लेना भाई। सौ रुपए बोल रहा हूँ यार, 10 किलो से ऊपर आलू है लेकिन मान नहीं रहे हैं। ले ले जी, 100 लगी, आज बस ऑफर है। 50 बोलते भाई कस्टमर, देख सकते हो पूरा आधा कैरेट आलू है भाई। 50 नहीं, 100 लगी, 100 ओखर संग एक ठो धनिया मोर तरफ से फ्री। और अभी देखो भैया जी भी सब्जी बेचने आए हैं यार। क्या भैया, गुड मॉर्निंग, क्या क्या रखे हो यार? बस भाटा, भिंडी नहीं है हाँ, मुनगा और प्याज भाजी, लाल भाजी, प्याज भाजी, लाल भाजी। हाँ, बढ़िया। कैसा चल रहा है मार्केट, बिक रहा है कि नहीं सुबह? तो सुबह भाई सब डाउन चल रहा है, भयानक डाउन यार। हाँ। भयानक डाउन भाई, मेरा टमाटर को बुहनी नहीं हुआ यार, कोई खरीदे नहीं टमाटर को, सिर्फ आलू करेला और बैगन ही बेचा जो बेचा। अभी कहाँ जाओगे भैया? घूमने जाएंगे इधर इधर लिदरी साइड। चलो मैं भी उधर ही चलता हूँ। चलो गाइस चलते हैं। देखो भैया जी बहुत सारा सामान रखे हैं यार ये भी, और मेरे पास तो कम है लेकिन है। चलो भाई साहब वहाँ बेचने के बाद अभी मैं आऊँ यहाँ। देखो नानी के पास आलू ले रही हैं भाई, 3 किलो आलू देना है इनको। और टमाटर भाटा वाटा दाई दाई है? टमाटर भाटा नहीं देना है? नहीं ले, सिर्फ आलू, आलू सिर्फ आलू खाऊंगी बोल रहे हैं। 3 किलो दे थो ना, 3 किलो दे थो काला, 3 किलो तो पता ला। 4 किलो? यार 4 किलो बोलते भाई, टमाटर को 5 रुपए किलो मांग रहे हैं यार। देखो टमाटर क्वालिटी देख सकते, काफी मस्त है, मस्त है। 5 रुपए में कहाँ आएगा भाई, बताओ आप लोग की तरफ कितना चल रहा है टमाटर यार, कमेंट करो। यहाँ तो 10 रुपए बेच रहे हैं हम लोग, लेकिन 20 को 3 भी दे दे रहा हूँ, मतलब कि 7 रुपए किलो लगभग।
टमाटर जो है और बैंगन को 15 रुपए किलो, आलू भी 15 ही पड़ जा रहे हैं, 50 का 3 किलो दे रहा हूँ आलू को। तो चलो आलू तौलते हैं भाई नानी का, और लगेगा ये ले 1.5 किलो हो गए, 1.5 देवा था नानी को। देखो सामान दे चुके, अब नानी पैसा दे रही, दे नानी। आपका हुआ 50 का आलू, 10 रुपए का धनिया, 10 रुपए का मिर्चा, 50 भी 70 और 20 रुपए का टमाटर, 90 रुपए हुआ भाई, और 500 का नोट मिला है देखो फिर से। तो चलो इनको पैसा वापस करते हैं भाई, ये 410 रुपए पैसा वापस करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे और बेचने के लिए। ठीक नानी, ठीक बोल दे, हाय हाय। चलो भाई, ए आलू भाटा करेला है, जोर से बजा भाचा बस। तो भाई साहब यहाँ पास आए अभी बेचने, वहाँ नानी के पास बेचने के बाद, तो देखो कस्टमर ही नहीं दिख रहे, कहाँ गए सब यार, सब लोग कहाँ गए, बला ना सब लोग बला, मामे रुक ना, चुप ना चुप ना चुप ना, आवा आवा सब्जी ले, का लिए बतावा, अरे ले लो ना एकदम सस्ता लगी जी, पैसा नहीं। ये देखो भाई साहब, दीदी जो है उधारी दे रही है, 150 रुपए था इनका तो 100 दे रही है, 50 और बाद में देंगी। तो दीदी सब्जी ले लेन कुछ कहीं हो नहीं, सस्ता मा सब आलू लेबे का नहीं लेता, अरे जाना सबके 100 रुपए दे देबे नहीं लेता, 50 नहीं लेवा, सब आलू का 50 बोल दिया भाई साहब। अभी 8 बजे से, हाँ 8 बजे से नहीं लूंगी बोल रहा है, सिर्फ उधारी मिला मेरे को 100 रुपए। चलो बढ़िया है भाई, मजा आ गया, अब आगे और चलते हैं, देखते हैं कात कस्टमर मिल जाता है तो, नहीं तो सीधा घर ही निकलूंगा मैं। चलो भाई, अभी फाइनली वहां से पैसा लेने के बाद मैं आ गया यहाँ बहुत दिन बाद दद्दू भैया जी के पास, अपने परमानेंट वाले कस्टमर और सब्सक्राइबर भाई। भैया क्या चल रहा है, हैप्पी होली, कुछ दे यार सब्जी वब्जी, आलू बचा है थोड़ा सा और टमाटर बचा है और बैंगन बचा है और धनिया मिर्ची अदरक है, बताओ आलू आपके लिए है सबको, बताओ कितना दोगे, 20 रुपए किलो बेचे हैं सबका, 100 दे दो, अरे बहुत है यार। 10-20 कम दे देना यार, देख लो ना, अरे देखो आलू को दिखा दे रहा हूँ भाई आप लोग को क्वालिटी, ये देखो आलू इतना सारा है, मतलब लगभग लगभग 5 किलो से ऊपर ही है भाई साहब, भैया 5 किलो से ऊपर है यार, देख लो एक नंबर है आलू, भाई ये देखो तो कितना दोगे देख के बोलो, ये इधर है आलू यार, उधर बैगन है, इधर टमाटर है, उधर धनिया मेथी अदरक है, ये धनिया मेथी धनिया मिर्ची बस यार, बोलो ना जी दे के नहीं यार, मिर्ची दे देना यार, आए आलू, आलू नहीं लाओ यार, 50 देवे का सबके का, 50 दे दे जा, आखिरी बोल दे मैं 50, सब आलू का 50 भाई, खराब नहीं हो धोबे ना, एक नंबर है आलू, भले दिखा था उसने, चल ठीक है दे दे, हाँ ला धरे के सब आलू बिक गया भाई फाइनली, 50 में ही दे दिया सबको, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट बचा है ये देख सकते हो, तो क्वालिटी भी थोड़ा सा डाउन है, तो भैया को दे देते हैं यार, परमानेंट कस्टमर है, अपने सामान लेते रहते हैं, इसलिए आलू को देते हैं, अभी जा रहे हैं वो रखने के लिए लाने के लिए, वेट करते हैं उनके आने तक का भाई। हाँ निकाला था ना भैया, निकाल रहे हैं यार आलू को, निकालते हैं भाई, ये भैया सूपा लेके आए हैं देख सकते हो, तो करेट का आलू को सूपा में निकाल रहे हैं, 10 किलो आलू है लगभग लगभग, ये 5 रुपए किलो पड़ गया भैया को, सही में लगभग लगभग 10 किलो, 7-8 किलो तो बचते, तो आधा तो ऐसे निकल जाएगा, अरे तो क्या हुआ, कुछ भी हो, 50 का नोट मिल गया भाई, जय भगवान, 10 रुपए खत्म चाहिए हन भैया, तो आलू खत्म भाई साहब, यार इतना जो बैगन बचे है टमाटर बचे इसको लेके चलते हैं घर, घर वाले ही खाएंगे भाई, अब आज तो मार्केट जाना नहीं है, तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं भाई अब। तो गाइस यार सब्जी बेचने के बाद अभी मैं आ रहा हूँ वापस घर, और आगे नहीं गया भाई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था तो इसलिए, और ये देखो सामने जो है अपना घर है, और घर के सामने भाई साहब मेरे नाना बैठे क्या खड़े हैं भाई, ये देखो नाना है सामने, तो चलो गाड़ी को रोकते हैं भाई, आ गया मैं घर, तो अभी भाई सब चलो जो कैरेट्स है ना इनको उतार के घर के अंदर रखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को बताता हूँ कि अभी सुबह सुबह कितने का मैंने सेलिंग करी भाई, कल का जो लॉस था ना अपना 200 रुपीज़ का, वो रिकवर कर पाए कि नहीं, वैसे तो रिकवर हो गया है, प्रॉफिट कितने का हुआ। गुड इवनिंग, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं ना
घर से अभी आ रहा हूँ अपने खेतों की तरफ। और आज ना बहुत ज्यादा व्यस्त था यार मैं, क्योंकि जिस दिन नहीं जाता ना मार्केट उस दिन बहुत सारा काम रहता है, घर का काम प्लस नहाने वहाँ अपना कपड़ा वगैरह सब साफ के बहुत सारा काम में व्यस्त था, जो कि अभी मेरे को टाइम मिला तो अभी खेतों की तरफ आया हूँ, देख सकते हैं। और गाइस आप लोग को सुबह जो है कितने का वेजिटेबल सेल किया उसको बताया नहीं, चलो बताता हूँ। लेकिन उससे पहले यार बहुत लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे भाई कि आपके बकरे का क्या हुआ, कहाँ गया बकरा, खा तो नहीं गया करके। तो देखो बकरा जो है यहाँ अंदर में, उसको दिखाता हूँ आप लोग पहले, ये देख सकते हो ये बकरा ये है अपना, और एक बकरी भी लेके आए हैं। ये देखो ये बकरी काफी मस्त सी है, ये भी एक बकरी और एक बकरा। इसको ना जो बकरा है अपना, इसके लिए बताता हूँ इन लोगों को पहले, इसी के अंदर रहते हैं भाई ये लोग दोनों। जो बकरा है ना वो अकेले हो जा रहा था तो ठीक से चारा नहीं चरता था, तो नाना जो है ना फिर से मार्केट जाके उसके लिए बकरी लेके आ गए भाई, जो कि मेरे को पता नहीं था। मैं कल आया ना तब देखा कि बकरी भी आ गई करके, अब दोनों लोग साथ में मस्त चरते हैं और उसको यहाँ रहते हैं मेरे मामा मामी, वो लोग उसको चराते हैं भाई। तो अभी चरा के फिर से अंदर कर दिया है बकरी और बकरे को, तो लोग अंदर चले गए। और यही है भाई, वो लोग को खाने के लिए नहीं लिया है, बस पालने के लिए लिया है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कमेंट मत किया करो यार, कहाँ गए बकरी, खा गए क्या करके, अच्छा नहीं लगता भाई। मैं तो खाता नहीं हूँ बकरा वगैरह, मीट मैं नहीं खाता भाई साहब। और गाइस सुबह जो सब्जियाँ लेके गए थे ना अपन बेचने, तो मैंने आप लोग को कल ही शायद कल बताया था कि 1800 रुपये सेल कर लिया करके 200 रुपये के लॉस में था। तो सुबह जब गया था मैं बेचने ना, तो लगभग 500 का बेचा भाई, 500 रुपये का बेचा, मतलब कि 300 रुपये का प्रॉफिट, 300 रुपये का प्रॉफिट अपने को हो गया। और मतलब ऐसा ठीक है यार, इतना भी प्रॉफिट बहुत है, क्योंकि मार्केट ना बहुत ज़्यादा डाउन था कल, तो मेरे को भरोसा नहीं था कि इतना भी रुपये मिल जाएगा करके, लेकिन हो गया। और मेरे को 100 रुपये उधारी वाला भी मिला, तो उसको उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा भाई, वो पिछला वाला पैसा है। उधारी भी दी दीदी एक झने जो है, उधारी लग रही थी मेरा उसको, तो यही था यार। और आज ना बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था, इसलिए आज का डे तो आप लोग को नहीं दिखा पाया, क्योंकि मतलब ऐसा ऐसा चीज़ हुआ कि वो दिखाने लायक ही नहीं था। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ रुकूँगा लगभग आधा एक घंटा, फिर 7-7:30 बजे यहाँ से निकलूँगा घर, तो घर जाऊँगा, फिर उसके बाद घर जाके खाना वगैरह खा के वीडियो एडिटिंग, फिर अपना दिनचर्या ख़त्म। तो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा उसको कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।